आग इंसानी इतिहास में सबसे बड़ी खोज में से एक है। जी हाँ, अगर आग की खोज ना की गई होती तो शायद आज दुनिया इतनी आगे ना पहुंच पाती। आज के समय में भले ही बड़े बड़े शहरों के मार्केट में स्टाइलिश लाइटर ने अपनी जगह बना ली, लेकिन रूरल एरियाज में यानी गांव में आज भी मैच बॉक्स का चलन सबसे ज्यादा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है। इसका मतलब है कि आप अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं तो बेशक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल हमारे देश में अभी भी गिनती की मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, और ये आपके लिए एक मौके जैसा हो सकता है। तो अगर आप भी मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो देखते रहिए ये इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें IIT आपको बताएगा इस बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, बात करें मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी वो है डीबार्किंग मशीन, वुड सॉ मशीन, विनीर पीलिंग मशीन, विनीर चॉपिंग मशीन, मैच स्टिक स्प्लिंट्स क्लीनिंग मशीन, स्प्लिंट्स कार्बोराइजिंग मशीन, हॉट एयर ड्रायर, सॉल्यूशन एप्लीकेटर मशीन, मिक्सर, पेपर स्प्लिटिंग मशीन, मैच स्टिक मेकिंग मशीन, पेपर लैमिनेशन मशीन, पेपर शीट स्लाइसर, मैच बॉक्स फिलिंग एंड पैकिंग मशीन, 3 कलर्ड फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, मैच बॉक्स मेकिंग मशीन आउटर, मैच बॉक्स मेकिंग मशीन इनर, मैच बॉक्स स्टैकिंग एंड पैकिंग मशीन। ऐसा मैच कंपनी, आवर कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1940। वी हैव बीन इन मैच बिजनेस सिंस देन। हैंडमेड इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। व्हाट वाज स्टार्टेड इन 1920 वाज फुल्ली हैंडमेड। लेटर ऑन बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ लेबर यदि आप ये व्यवसाय छोटे स्केल पर कम मशीनों के साथ करना चाहते हैं तो आपको मैच स्टिक मेकिंग मशीन, मैच बॉक्स मेकिंग मशीन, मैच बॉक्स पैकिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इन मशीनों के साथ साथ आपको जिन इक्विपमेंट की जरूरत है वो है बिन्स, स्टोरेज टैंक्स, कलेक्शन टैंक्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। इन सभी इक्विपमेंट्स के साथ आप आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एरिया, मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वीडियो में दिखाए गए स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 20,000 से 22,000 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। वहीं छोटे स्केल पे इसी व्यवसाय के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल, मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको माचिस बनाने के लिए कुछ जरूरी रॉ मटेरियल्स जैसे वुडन लॉग्स, अमोनियम फॉस्फेट, पैराफिन वैक्स, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, फेरिक ऑक्साइड, रेड फॉस्फोरस, कलर डाई, पेपर रोल, क्राफ्ट पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लू आदि की जरूरत होगी। वहीं स्मॉल स्केल पे आप मैच स्टिक के स्प्लिट प्रिंटेड और लैमिनेटेड पेपर और फ्रिक्शन केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी मशीन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और अगर आप इस बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप IID की सहायता ले सकते हैं। हमारे पास है आपके सभी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। प्रोसेस, सबसे पहले वुडन लॉग्स की आउटर स्किन्स को डीबार्किंग मशीन से रिमूव किया जाता है। इसके बाद वुडन लॉग्स को रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग सॉ मशीन से कट किया जाता है। अब विनीर पीलिंग मशीन की हेल्प से वुडन लॉग्स की थिन वुडन शीट्स में पीलिंग की जाएगी। विनीर को यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे पीरियोडिकली कट किया जाता है। इसके बाद वुडन शीट्स का पंच बनाकर स्प्लिंट चॉपर से स्प्लिंट में काटा जाता है। अब स्प्लिंट्स की क्लीनिंग की जाएगी। इसके बाद स्प्लिंट्स की कार्बोराइजिंग की जाती है। इसके बाद स्प्लिंट्स को ड्रायर की मदद से ड्राई किया जाता है। अब पैराफिन वैक्स, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और कलर डाई को रिक्वायर्ड कंपोजिशन में मिक्स कर पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को मैचस्टिक मेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में प्रोसेस्ड मैचस्टिक स्प्लिट्स एडहेसिव भी डाले जाते हैं। इसके बाद मशीन मैचस्टिक स्प्लिट्स को अलाइन करती है और उन्हें सेट में डिफरेंट सॉल्यूशन में टिप करती है। इसके बाद इन मैचस्टिक्स को ड्राई किया जाता है और इस तरह मशीन से तैयार मैचस्टिक्स बाहर आती है। मैचस्टिक्स को अब मैच बॉक्स फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है। मैच बॉक्स का दूसरा कंपोनेंट होता है बॉक्स, जो कि जनरली इनर एंड आउटर बॉक्स में डिवाइडेड होता है। बॉक्स बनाने के लिए इनिशियली पेपर रोल्स की लैमिनेशन की जाती है
जिसके बाद लैमिनेटेड पेपर रोल्स या शीट पे प्रिंटिंग की जाती है। अब रेड फॉस्फोरस, सल्फर, फेरिक ऑक्साइड और कलर डाई को मिक्स करके मैच बॉक्स की फ्रिक्शन सरफेस के लिए पेस्ट बनाया जाता है और उसे मैच बॉक्स की सरफेस पर एक मशीन द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद पेपर की स्लिटिंग, फोल्डिंग एंड पेस्टिंग अप्रोप्रिएट मशीन द्वारा होती है, जिसे आपका आउटर बॉक्स तैयार हो जाता है। इसी तरह इनर बॉक्स के पेपर की स्लिटिंग, फोल्डिंग एंड पेस्टिंग की जाती है। और दोनों बॉक्सेस के लिए यूज होने वाले डाई सेट एंड मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं। इन तैयार बॉक्सेस को भी मैच बॉक्स फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन में डाला जाता है। मैच बॉक्स कंपोनेंट्स जैसे कि आउटर बॉक्स, इनर बॉक्स एंड मैच स्टिक्स को मैच बॉक्स फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन अप्रोप्रिएटली अलाइन करती है, जिसके बाद रिक्वायर काउंट में मैच स्टिक्स इनर बॉक्स में फीड की जाती है। फिलर इनर बॉक्स को मशीन आउटर बॉक्स में इंसर्ट करती है और मैच बॉक्स तैयार हो जाता है। इसके बाद मैच बॉक्सेस को मैच बॉक्स स्टैकिंग एंड पैकिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां ये स्टैक और सेट में पैक किया जाता है। अब आपका प्रोडक्ट सेल के लिए तैयार है। वहीं अगर स्मॉल स्केल बिजनेस की बात की जाए तो आपको केवल मैच स्टिक मेकिंग, बॉक्स मेकिंग और मैच स्टिक पैकेजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने की ही जरूरत होगी। पैकेजिंग मटेरियल, मैच बॉक्स को पैक करने के लिए आप कई तरह के थिन पेपर शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि एक मैच बॉक्स में कम से कम 40 मैच स्टिक्स हो और एक पैकेट में कम से कम 10 मैच बॉक्स यूनिट हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्मॉल स्केल के मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो इस व्यवसाय को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42 लाख होगी। वहीं अगर बात करें स्मॉल स्केल पर मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 6-7% महीने में कमा सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट, बात करें इलेक्ट्रिक लोड की, तो आप 50,000 मैच बॉक्स पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले प्लांट को रन करने के लिए आपको 2-5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। मैन पावर, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप इस बिजनेस को 6-8 एम्प्लॉयज के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, मैनेजर आदि शामिल हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती है। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर जिन लाइसेंस की जरूरत होगी वो है GST, उद्यम, NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NOC फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट। साथ ही अगर आप लोन या फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आप कुछ स्कीम्स का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट अमाउंट 1 करोड़ तक है तो आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपका प्रोजेक्ट अमाउंट 2 करोड़ तक है तो आप CGTMSE स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। मैच बॉक्स इंडस्ट्री इस समय आपके बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम होने की वजह से भी इसकी डिमांड हाई है। और इसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हमने आपको समझाया। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो IID से कॉन्टैक्ट करें। नीचे स्क्रीन पर हमारी email ID और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करें। और सभी इंडस्ट्रियल जानकारियों को सिर्फ एक क्लिक पर प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप को।